और जी मैं चला पानी भरने। और दोस्तों ये इस तरह का है कुछ हमारे सिनेमैटिक शॉट्स जो मैंने लिए थे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया, हम अपने शॉप के ऊपर वीडियो बनाएंगे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। और शायद ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है क्योंकि मैंने बना ली थी जल्दी लेकिन अपलोड लेट हुई क्योंकि थोड़ा काम हो गया था बीच में। बस चलते हैं आपको डायरेक्ट दुकान दिखाते हैं, दुकान के पास ही बैठे दुकान खोल रहे थे। आज संडे है वैसे दुकान खोलने का मन तो नहीं था, थोड़ी देर के लिए बस खोलेंगे लगभग दोपहर तक। दुकान है हमारी लेडीज गारमेंट्स की। और हाँ शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही हो क्योंकि मैं बिल्कुल एक ओपन एरिया में बैठा हूँ, इसलिए चलते हैं दुकान की ओर। और ऐसा कुछ हमारे यहाँ के रोड का सीन। तो ठीक है दोस्तों, चलिए एंटर करते हैं दुकान के अंदर। चलिए आपको लाइट ऑन करते हैं। हाँ अब ठीक है। और ऐसी है कुछ दुकान की इंटीरियर की लुक। बस अभी अंदर साफ सफाई करनी है क्योंकि कैमरे में शायद नोटिस ना हो रहा हो, लेकिन ये देखिए यहाँ पर अभी बस झाड़ू लगाएंगे, फिर बाहर पानी भी छिड़कना है और बस फिर हम बैठेंगे, फिर आपको मैं एक एक कर जो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपको एक एक वैरायटी आपको सब कुछ दिखाएंगे एक एक करके। और वीडियो में एंड तक जरूर बनी रही। और जो अभी तक वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक मारो यार जल्दी से। और देखो कितने लोग हो गए यार सब्सक्राइब नहीं किया तुम लोगों ने चैनल को, गलत बात है तुम्हारी यार, तुम लोग वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब करा करो, गलत है। चलो अभी हम साफ सफाई शुरू करते हैं। तो बस हमने अंदर अब साफ सफाई कर लिया, बाहर करेंगे, बाहर भी क्योंकि मिट्टी रहती है बाहर भी करना जरूरी है। देखो बाहर करते हैं साफ सफाई। चलो 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 साफ सफाई होगी शुरू अब करते रहें। सफाई भी बहुत मुश्किल काम है यार, गलत है, कोई ऐसे मशीन बनानी चाहिए जो सफाई भी खुद करे। और ये देखिए दोस्तों अब हम दुकान की साफ सफाई के लिए यहाँ से पानी भरेंगे और जो बहुत तेज हो रही है। ये भर गया और भर गया बस। और ये हमने अंदर पोछा भी लगा दिया है, बस सूख जाए जल्दी। और उसके बाद आपको ये सारी वैरायटीज एक एक कर दिखाएंगे। और ये देखो हमने हमारे वाहन पर ही हमारा मैट रख रखा है, गलत है, चलो इसे ये रख दिया सही जगह पर। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका भी एक रिव्यू वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों बस साफ सफाई हो चुकी है, पूरी दुकान हो चुकी है ओपन, बस थोड़े से पीस हम बाहर टांगेंगे एंड सबसे पहले तो हाँ पूजा पाठ करें। अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हो दोबारा से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब मार लो चैनल को, वरना कोई फायदा नहीं, बस मैं और क्या कह सकता हूँ। चलो तो ठीक है दोस्तों, अब हमने दुकान ओपन कर लिया, मतलब सब कुछ हमने फुल प्रॉपरली कर चुका है, हमने पूजा भी कर ली, साफ सफाई भी कर ली बाहर। मेन वीडियो अब स्टार्ट करते हैं और उससे पहले सिनेमैटिक शॉट्स कुछ लेते हैं, देखते हैं, मतलब लेने की कोशिश करते हैं, लिए तो जाते नहीं हमसे कभी अच्छे, फिर भी
एक कोशिश करने में अपना कुछ नहीं जाता, फिर भी हम सिनेमैटिक शॉट्स कैप्चर करेंगे और आपको एक एक चीज़, एक एक वैरायटी आपको अच्छे से दिखाऊंगा मैं। आपने हमारे सिनेमैटिक शॉट्स जो मैंने लिए थे आपने देख लिए। अगर आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मतलब आप देख ले, देख के खुद ही पहचान लोगे। मैं नीचे नेम देता रहूंगा और जितने भी मुझे इनके बारे में नॉलेज होगी मैं बताता रहूंगा आपको। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आप जो ये सारा सेक्शन देख रहे हैं इधर से लेकर वो नीचे तक, ये ज़्यादातर सेक्शन है हमारे प्लाजोस का। और इसमें हमारे पास जो बिल्कुल प्लेन प्लाजो होते हैं, बिल्कुल ही प्लेन जिनमें कोई डिज़ाइन नहीं होता, मतलब कलर्स होते हैं अलग अलग, वो भी हैं। और हमारे पास डिज़ाइन वाले भी हैं, प्रिंटेड प्लाजोज भी हैं। और हर एक का प्राइस वेरी करता है, आपको पता ही है। और आपको दिखाते हैं, सबसे पहले एक ये वाला दिखाते हैं। और दोस्तों, प्लाजो में ये है वो वेराइटी जो अभी मैंने खोली, ओपन किया है। इसका कपड़ा काफ़ी मीन सॉफ्ट है और आप ये कह सकते हैं कि ये वॉश करने के बाद और भी ज़्यादा सॉफ्ट होगा। एंड प्लाजो है ये, मीन्स आप इसे कह सकते हैं कि ये कैजुअल रूटीन में डालने वाला नहीं है, एज अ होम, हाँ डेली रूटीन में आप इसे पहन सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको ये सारी दिखाई थी वैरायटीज, आपको ये पीस दिखाया था प्लाजो। अब हमने ये वाला प्लाजो खोल लिया है और अगर आपको बताऊँ कि इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर, ये हमारी दुकान में सबसे मीन कह सकते हो एक्सपेंसिव जो प्लाजो है और सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला वो यही है। क्लॉथ का फैब्रिक सबसे बेस्ट है और नीचे आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बने हुए हैं, देख सकते हैं फुल साइज है। वैसे इसे जंबो साइज कहते हैं, जंबो प्लाजो होता है जो, उसे कहते हैं। अब मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, तो आपने देख लिया। इसमें भी कलर्स और हुए हैं लाइक ये रेड ये। तो दोस्तों, हमने आपको ये वाले प्लाजो दिखा दिया, अब आपको प्रिंटेड दिखाते हैं। और दोस्तों, ये है वो चीज़ जो अभी मैंने ओपन की है और इस ये भी स्टफ़ काफ़ी अच्छा है। मीन्स ये आप कह सकते हैं कि फुल जो समर होती है, जैसे जून जुलाई की जो गर्मियाँ होती हैं, उनमें ये पहनना इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा सा आप कह लो है, मतलब इसमें, मतलब इस कपड़े फैब्रिक में हमको थोड़ी सी गर्मी लगती है। जैसे अब मौसम हो रखा है अक्टूबर का, अब जो अक्टूबर है, सितंबर है एंड नवंबर तक, मीन्स कह सकते हैं आप इसे अच्छी तरह से पहन पाएंगे। फैब्रिक आप ना तो फुल सर्दी में और ना ही फुल गर्मी में आप इसको मीन्स पहन नहीं सकते। और देखिए हमारे साथ कौन आया है दुकान पर, रूबी, ये देखो वीडियो में, बीच में बस बोलना ठीक है ना, बैकग्राउंड नॉइस से मैं पहले दुखी हूँ। दोस्तों, फिर आते हैं हमारे पास ये वाला, ये भी वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लाजो है हमारी शॉप पर, लेकिन इसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है आप कह सकते हैं। और ये देखिए, ये सारा जो भी इसके ऊपर, ये छोटी छोटी जो इसके ऊपर ये डिटेलिंग्स हैं, ये सब हैंडमेड है। चिकन पता नहीं ऐसा कुछ, चिकन वाला प्लाजो कहते हैं इसे। और आप देख सकते हैं इसमें ये एक वाइट कलर है एंड और इसमें एक ब्लैक कलर है, बस ये दो। जी मैं चला पानी भरने, तेज धूप में पानी भरते हैं जल्दी जल्दी।
हाय हाय, मुझ गरीब यूट्यूबर पर कौन दया खाए। देखो बाल्टी लेकर बंदा साफ सफाई कर रहा है। यूट्यूबर होकर भी साफ सफाइयाँ करनी पड़ती हैं भाई। को भी है, हमने इधर से स्टार्ट कर लिया। बस मैं आपको इसे खोल कर दिखाता हूँ। प्लाजो सूट या कह सकते हैं प्लाजो कुर्ता, जो भी आप कहना चाहें।